Assalamu alaikum. It's me, Zoya Lagari, and lecturer in the Department of Soil Science at SAU Subcampus Umarkot. नाजरीन हमारे साथ मौजूद हैं यहाँ कमरदीन डायरी साहब और उनसे जो है ना हम इंटरव्यू लेंगे, लेकिन ये कॉन्फ्रेंस के हवाले से. जैसे कि आप जानते हैं कि ये जो कॉन्फ्रेंस है प्लांट प्रोटेक्शन साइंसेस पर है, तो उसमें सर की क्या प्रेजेंटेशन थी, उन्होंने किस रिसर्च पर उनका काम हो रहा है और बाकी जो चीज़ें यहाँ ओवरऑल जो एसएयू का माहौल है उसके हवाले से हम पूछेंगे. अस्सलाम वालेकुम सर. वालेकुम. कैसे हैं? मेहरबानी बहन ज़ोया, अल्हम्दुलिल्लाह बेहतरीन. कैसा महसूस कर रहे हैं यहाँ आकर और कॉन्फ्रेंस का मौका है? कॉन्फ्रेंस है और ये क्योंकि मदर इंस्टीट्यूट है सिंध का ज़रात के हवाले से, तो ये इदारा भी हमें अपनी जान जैसा अजीज़ है. और इसके अलावा जो सिंध है मेरी, जिससे हमारी जिंद है सबकी, तो उसके साथ जो कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स हैं जैसे माल प्रैक्टिसेस चल रही हैं, उन पे जो इस नौयत की कॉन्फ्रेंस है ये बहुत फ्रूटफुल है. क्योंकि कॉन्फ्रेंस का मौजू था इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन क्रॉप प्रोटेक्शन साइंस. अब प्रोटेक्शन एक मरबूत अल्फाज है और साइंस एक वसी लफ्ज है, लेकिन इसमें कॉम्प्लेक्स ऑफ प्रॉब्लम्स आता है. जैसे प्रोटेक्शन का लफ्ज हुआ तो उसमें डिजीज़ भी आ गई और उसमें पेस्ट भी आ जाता है. तो इसी नौयत से बिल्कुल ही अहम और बिल्कुल ही मयारी और बैन अवी सतह जैसी वाकई कॉन्फ्रेंस थी. एज अ पार्टिसिपेंट्स मेरी तो दुआ है कि हर 12वें महीने में एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी इस तरह की कॉन्फ्रेंस कराए. आमीन. अच्छा सर, आपने इस कॉन्फ्रेंस में मुख्तलिफ प्रेजेंटेशन देखी, जैसे कि पेस्ट के हवाले से या मुख्तलिफ इंसेक्ट्स के हवाले से बातें हो रही थी, तो उनसे आपको अपने कुछ सीखने का आपको मौका मिला, कुछ नई चीज़ें देखी या कुछ ऐसी सजेशन हो जो देना चाहें? हाँ, कुछ ज़बरदस्त चीज़ें हमें मालूम हुई. और वैसे भी एक हकीकत है कि जो डिजीज़ हैं, भले वो बैक्टीरियल हो, वायरल हो या फंगल हो, उसको अगर हम थ्रू कोई भी फंजीसाइड या कोई पेस्टिसाइड यूज़ करेंगे तो उनमें कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम आता है. डिजीज़ मैनेजमेंट एक सेपरेट सब्जेक्ट है और उसका बेसिकली जिस तरह हमारा और आपका, हम सब का एक जिस्म है, जिस्म में एक अम्यून सिस्टम है, तो जिस तरह हमारा अम्यून सिस्टम स्ट्रांग होगा तो डिजीज़ कम लगेगी. तो हमारे ज़मीन का, क्योंकि पौधे की माँ ज़मीन है, हम सब की कोई ना कोई माँ है, लेकिन हमारी माँ ने भी ज़मीन का रिज़्क खा के हमें पाला है. तो ये ज़मीन जो माँ है, इसके लिए कलाम पाक में भी है, सूरह आराफ आयत नंबर 58, अलबलद तैयब युखरजहु निबातहु बिइज़्न रब्बिही वलबलद अलखुब्स इला निकदा. सिर्फ ज़रख़ेज़ ज़मीन से ही पैदावारी कोंपल उगते हैं और गैर ज़रख़ेज़ ज़मीन से गैर पैदावारी पौधों के अलावा कुछ नहीं निकलता. तो इस ज़मीन को हमें फर्टाइल करना है. और इसी हवाले से ये जो पूरी चीज़ें थी और जो मालूमात थी वो अपनी जगह पे इंतहाई अहम थी. खुदा करे कि ये हर एक इंसान के दिल में समा जाए. तो कोई वक्त बईद नहीं है कि प्लानेट अर्थ पे मेरे सिंध की ज़मीन पहले ही नंबर 1 है और बेहतर हो जाएगी. अच्छा सर, जो आपने पेस्ट देखे या इंसेक्ट देखे तो उनको कैसे मैनेज किया जाए? जाहिर है इसमें काफ़ी ऐसी प्रेजेंटेशन थी जिसमें जो डिजीज़ थी वो डिस्क्राइब तो की गई, लेकिन उनकी मैनेजमेंट क्या है? हाँ, मैं आपको साइंस के तो हज़ारों दलाल है, लेकिन कलाम पाक की एक आयत से शुरू करूँगा. युसब्बिहु लिल्लाह मा फिस्समावात व मा फिल अर्ध. जो भी चीज़ ज़मीन में है, जो ज़मीन के ऊपर है या फिज़ा में है, सारी चीज़ें अल्लाह का हम्द करती हैं. जब चीज़ हम्द और पाकाई बयान करती है, इट मस्ट बी रिमेन इट्स बायोलॉजिकल इक्विलिब्रियम. नुकसानदेह है ही नहीं, क्योंकि जो खालिक़े कायनात ने चीज़ें पैदा की हैं वो सब हमारे फ़ायदे के लिए पैदा की हैं. वजह यह है कि हम ही अपने हाथों से उनको ख़राबी की तरफ लेके जा रहे हैं. और दुनिया में जो कौमें तरक्की की हैं उन्होंने सस्टेनेबल एग्रीकल्चर को अपनाया है. हमारा पैगाम भी यह है कि हम सस्टेनेबल एग्रीकल्चर बनाएं थ्रू हमारे जो फार्म वेस्ट है, ये फार्म वेस्ट नहीं है, ये ज़मीन की खुराक है, ज़मीन के लिए सोना है. जब हम इसमें लगाएंगे तो नो डाउट, अगर आपकी वायरल डिजी है, फंगल डिजी है,
तो कुदरत ने सॉइल इज द कॉम्प्लेक्स ऑफ बायोटिक एंड एबायोटिक फैक्टर्स, पौधा ज़मीन का बच्चा है, ज़मीन उसकी माँ है। जब ज़मीन ही नहीं होगी, जब माँ ही बीमार होगी, तो बच्चों में तो बीमारियाँ आनी ही हैं। वजह यह है कि आज से हमें वचन करना चाहिए कि हम इस धरती माँ को जरखेज से जरखेज ऑर्गेनिकली बनाएं। ज़बर। अच्छा सर, ये क्लाइमेट चेंज की वजह से कुछ ऐसे पेस्ट हैं जो इंट्रोड्यूस हो रहे हैं, तो उनको कैसे मैनेज किया जाए? अब आपको मालूम ही होगा कि यूएनओ की एक रिपोर्ट आई है, इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑफ क्लाइमेट चेंज, जिसकी 48 सफात पे रिपोर्ट आई है, और जो कि 450 पे है, लेकिन उसने अलार्मिंग सिचुएशन पैदा कर दी है कि जब तक हमने हर इंसान ने इफ़ वी वायलेट द नेचर देन नेचर विल पनिश अस। तो हम क्योंकि दुनिया में CO2 कार्बन फिक्सिंग एग्रीकल्चर हो रही है, और पौधा सिर्फ 5% मिनरल्स रूट्स के थ्रू देता है, लेता है 95% पत्ते वगैरह ये एटमॉस्फेयर से लेता है। आपको पता होना चाहिए कि ऑक्सीलेटर बैक्टीरिया, नाइट्रोजन बैक्टीरिया, ये हमारे एटमॉस्फेयर में है। CO2 है, कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन बेसिकली पौधों की खुराक है, और उसके जो ऑक्सीजन बचती है या जो थ्रू ऑस्मोटिक प्रेशर के थ्रू आती है लीव्स में, लीव एनाटॉमी पढ़ेंगे तो उसमें छोटे छोटे होल्स होते हैं जिसे हम स्टोमेटा कहते हैं। जितने वॉल्यूम में वो कार्बन डाइऑक्साइड लेगा, उतने ही वॉल्यूम में हमें ऑक्सीजन प्योर मिलेगी, तो हमें भी सांस लेने में आसानी रहेगी। बिल्कुल। अच्छा, ओवरऑल सिंध एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी को आप कैसे देखते हैं? ओवरऑल सिंध एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी को क्या कि पूरी सिंध हमारी जो है वो, और दुनिया पूरी में दोस्त कहते हैं कि भाई फला मुल्क में 2% है, 3% है, मेरा कुछ ख्याल मुख्तलफ है कि 100 सैकड़ों इंसान और जानदारों का दारो मदार एग्रीकल्चर पे है। वो ये कपड़े पहनने के और खाने खाने का ताल्लुक है, ये डायरेक्ट है, ये इनडायरेक्ट नहीं है। ये हाइपोथेसिस गलत है कि 3% है 4, क्योंकि खाना और पहनना ये सब हमारी ज़रूरत है, इसीलिए ये इंडिविजुअल वर्क है ही नहीं, ये कलेक्टिव वर्क है। और ये सिंध मेरी है, ये यूनिवर्सिटी मेरी है, ये VC भी मेरा है, ये चेयरमैन भी मेरा है, और खुदा करे कि हम में आपस में मोहब्बत हो तो कोई दिन बईद नहीं है। आमीन। कि सिंध के दोस्त और सिंध की धरती प्लानेट अर्थ में 3 धरतियों में से एक है लेटीट्यूड और एक्टीट्यूड के लिहाज से। मैं आज अगर पूरा दिन सिंध के धरती की तारीफ शुरू कर दूं तो ख़त्म नहीं होगी। तो उसमें यह है कि एक सिंध है, एक कैलिफोर्निया है, दूसरी महाराष्ट्र है, इंडिया की कैलिफोर्निया USO की स्टेट है। तो सिंध अपने हवाले से, और सिंध ने ही दुनिया को ये कपड़ा दिया था। पहले प्लास्टिक पहनते थे, आज मेरी सिंध की जो सींध है वो बदबूदार हो रही है जहर से। मेरा पैगाम ये है कि इस धरती के सीने से जब हम जहर ख़त्म कर देंगे, और ये हमारी यूनिवर्सिटियाँ, ये हमारे इदारे, ये हमारे लिटरेरी पर्सन्स जब लोगों को समझाएंगे, मैं खुद हज़ारों एकड़ पे कर रहा हूँ, अपनी काटन भी करते हैं, शुगर केन भी, और हम सब जब के मिल के करेंगे तो कहते हैं कि इंडिविजुअली कुछ भी नहीं है, अगर हम कलेक्टिव एफर्ट्स करेंगे, हमारी सिंध गवर्नमेंट, हमारी फेडरल गवर्नमेंट, हमारी यूनिवर्सिटी, हमारे इदारे, रिसर्च के, एक्सटेंशन के, बहुत अजीम लोग बैठे हुए हैं, अगर उनको हम थोड़ा सा नींद से बेदार कर लें तो मसला हमारा ऑटोमेटिकली आसान है। बिल्कुल बिल्कुल। कोई मैसेज देना चाहेंगे सर? हाँ, खुदा करे कि इस धरती पे वो फसलें गुल निकले जिसे कभी अंदेशा जवाल ना हो। मेरा पैगाम मोहब्बत है, जहाँ तक पहुँचे, धरती से मोहब्बत, इंसानों से मोहब्बत, और जितने सारे जानदार जरासीम हैं ये सब हमारे लिए, आओ हम सब से मोहब्बत करें तो कोई चीज़ नुकसानदेह है ही नहीं। बहुत खुशी हुई सर आप यहाँ आए, थैंक यू सो मच बहन। तो हाँ जी, आपकी बड़ी मेहरबानी, और अल्लाह करेगा कि हम इसी वचन के साथ धरती पे काम करेंगे कि इसकी बेहतरी के लिए
सारे इकट्ठे होकर कोशिश करें। थैंक यू वेरी मच, मेहरबान।